नमस्कार दोस्तों, फर्स्ट टाइम मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ यूरेका फोर्ब्स का प्रोडक्ट जो है कोड फ्री NXT, जो आपको मार्केट में अभी नया लॉन्चिंग है देखने को मिलेगा। ये आता है कोड फ्री NXT, इसमें चार टाइप्स का अटैचमेंट के साथ में अवेलेबल है और ये एक लिथियम आयन बैटरी दिया हुआ है जो आपको मिलेगा 2500 mAh का और काफ़ी अच्छा है, जो 4 hours में फुल कंपनी दावा करती है कि ये चार्ज हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं इसके ऊपर ही डिस्प्ले है, जब आप इसको ऑन करते हैं तो ये आपको ये मोड दिखाता है, मोड दिखाएगा और बैटरी परसेंटेज बताता है वैक्यूम क्लीनर, जो कि नॉर्मल वैक्यूम क्लीनर में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। और इसके साथ में आपको मिलेगा एक डस्ट कैपेसिटी वाली टैंक, तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं, ये इसका डस्ट कैपेसिटी का है, इसी में सब डस्ट आके इकट्ठा होता है। ये इसका 2-in-1 ब्रश है जो कि दो तरीके से इस्तेमाल होता है, ये ब्रश आप दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, एक तो आप ऐसा डायरेक्टली आप कोई चीज़ खींचने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें ब्रश लगा रहता है, इसके लिए इसको 2-in-1 ब्रश बोला जाता है। ये इसका सेकेंड अटैचमेंट आता है जो क्रेवाइज नोजल बोल के आता है, जो कंपनी क्रेवाइज नोजल बोल के बताता है। ये बेसिकली कैसा कॉर्नर हो गया, सोफे के कॉर्नर हो गया, कुर्सी के कॉर्नर हो गया, कोई भी जहाँ अनरिच एरिया है कॉर्नर क्लीन करना है तो इसमें बेसिकली ऐसा कट दिया हुआ है, अब इसको आराम से आप खींच सकते हैं अपने आवश्यकता अनुसार। काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, जो पहले के भी वैक्यूम क्लीनर में आते थे और काफ़ी इसका यूज़ होता है। बेसिकली मॉइस्चराइज ब्रश बोल के आता है, इसका थर्ड अटैचमेंट है जो काफ़ी इस तरीके से दिखता है। और यहीं पे इसका ये चार्जिंग का पॉइंट भी दिया हुआ है, ये वाला चीज़ इसमें आप चार्जिंग डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। इसमें आपको ये दो बटन मिलता है, एक ही बटन में दोनों है, आप इसको 3 बार का इसमें स्विचिंग सिस्टम दिया हुआ है और ये बेसिकली ऑन ऑफ के लिए दिया हुआ है, ये वाला जो स्विच दिख रहा है आपको। ये अटैचमेंट का यूज़ आप सोफ़ा वगैरह हो गया, पिला वगैरह हो गया, कहीं से भी डस्ट निकालने का है, जैसा वाल वगैरह हो गया, वो सब चीज़ों का आप इसको बिल्कुल आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसका अटैचमेंट दिया हुआ है जो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, जो आपको फ्लोरिंग के में इस्तेमाल आएगा, अनरिच एरिया को रीच करने के लिए आपको इस्तेमाल में आएगा। बेसिकली कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। ये इसका फ्लोर डस्ट ब्रश है जो आप इसको फ्लोर में डस्टिंग करने के लिए एकदम ईजी से इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा ब्रश है। इसमें आपको 2 व्हील का सपोर्ट भी दिया हुआ है, ये देखो 2 व्हील है, जैसा ईजी से आपको ऑपरेट करने के लिए आसानी हो। और ये ब्रश दिया हुआ है आपको, ये टोटल जो आपको इस्तेमाल में आए, बेसिकली इसमें 2 ब्रश इस्तेमाल होता है एक साथ में, एक तो अभी हमने ये लगा रखा है, एक दूसरा साइड का वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये अटैचमेंट जोड़ने और लगाने के बाद बेसिकली कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। जैसा हमने बताया था कि ये ब्रश को आप आसानी से रिमूव कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ पे एक दिया हुआ है प्रेस करने के लिए, जब आप प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक खुद पर खुद खुल जाएगा, ये ब्रश आएगा उसके जगह पे, जो काफ़ी मॉइस्चराइज फ्लोर ब्रश के नाम से जाना जाता है। ये इसको लगाना भी बहुत ईजी है, जैसा वो लगा था सेम आपको वैसे ही निकाल के इसको ईजी वे में इसको एकदम आराम से प्रेस कर देना है, ये खुद पर खुद ऑटोमेटिक बैठ गया, अब ये इस्तेमाल करने के लिए रेडी हो गया है। ये इसका इंस्टॉलेशन हैंगिंग है,
इसमें आप इसके बैटरी रख के डायरेक्ट आप चार्ज कर सकते हैं, ये पूरा प्रोडक्ट रख के चार्ज कर सकते हैं। इसमें बेसिकली के साथ दो स्क्रू के ऊपर आपको इसको इंस्टॉल करना होता है वॉल पे, और ये मशीन पूरी आपको वॉल पे हैंग हो जाती है। और इसमें आप अटैचमेंट डेली के अटैचमेंट भी लगा के आसानी से आप रख सकते हैं। इसमें ये पिन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको सॉकेट दिया हुआ है जो आपको चार्जिंग में इस्तेमाल करनी है। ये बेसिकली इसका एडाप्टर है जिसको इजीली वे में चार्ज करने के लिए, टू पिन का एडाप्टर है। तो नॉर्मल कोई भी घर में आप सॉकेट होगा तो उसमें आप इजी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये पिन इसके अंदर प्लेस करना होता है डायरेक्टली, इसको आप इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं या तो आप डायरेक्टली इसको मशीन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए आपका ये सॉकेट में जाएगा और इसका पिन जो है इसके अंदर आप इजीली में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो एकदम आसानी है, कस्टमर यूज जैसा देख के बनाया हुआ है तो इतना ये नहीं है। लेट्स ट्राई, आप इसको चालू करके उसका पूरा फुल रिव्यू देखते हैं ये क्या क्या डस्ट उठाता है। तो दोस्तों इसको हम ऑन करके देखते हैं, ये कुछ डस्ट गिरे हुए हैं, काफ़ी हैवी डस्ट है जो हमने इसको आटा गिरा रखा है काफ़ी है, क्योंकि आटा जल्दी से निकलता नहीं है फ्लोर से। तो लेट्स सी ट्राई करते हैं, देखते हैं इसे निकलता है या नहीं निकलता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका फुल रिव्यू, ये काफ़ी अच्छी मशीन है और पावरफुल भी है जैसा बताया गया है, काफ़ी एकदम हुबहू वैसे ही काम कर रहा है। ये हमारा फ्लोर है, हमने इसमें हैवी कंटेंट में आटा गिराया हुआ था, फ्लोर एकदम ऐसा लग रहा है जैसा पानी से पोछा मारा हुआ है, पहले जैसा ही हो गया, जैसा विदाउट हमने जैसा पहले गिराया हुआ जैसा लग रहा था, एकदम कचरा पूरा फैला के दिख रहा था। हम लोग ट्राई किया था इसको, लेकिन अभी तो एकदम क्रिस्टल क्लीन दिख रहा है, टाइल चमक रहा है, आप देख भी सकते हैं हमारे मोबाइल का लेंस भी इसमें दिख सकता है आपको। ये देखिए आप, फ्लोर जैसा था वैसा हो गया है, डस्टिंग में तो एक नंबर वैक्यूम क्लीनर है। आप इसको पोर्टेबल है, आप कहीं पे भी कार साफ कर सकते हैं, घर साफ कर सकते हैं, और मेंटेनेंस वगैरह कुछ है नहीं इसमें। इसका डस्ट कैपेसिटी वाला है, जो हमने डस्ट आटा वगैरह खींचा हुआ है तो इसके अंदर आके जमा हो गया है, इसको निकालना भी बड़ा इजी है। तो देखते हैं कैसे निकलता है ये। तो इसको सेम जैसा हमने बताया था फर्स्ट आपको, सेम इसको प्रेस करेंगे तो ये खुल जाता है और इसको एम्प्टी कर देना है। ये देखिए पूरा जो डस्ट हमने खींचा हुआ था ये मशीन में आके डिपॉजिट हो गया।
आप इसको आसानी से खोल सकते हैं। ये इसका डस्ट कैपेसिटी है, पूरा जमा हो गया है। आप इसको चाहिए तो आप धुल भी सकते हैं निकाल के, ये रिमूव भी हो जाता है पूरा। मैं बता रहा हूँ आपको कैसा रिमूव करना होता है। ये जो बटन दिया हुआ है ये दोनों साइड से पूरा फुल्ली वन वे बटन होता है। इसको प्रेस करेंगे तो ये पूरा टैंक खुल जाएगा। इसके अंदर एक छोटी सी फिल्टर दी हुई है यहाँ पर, आप उसको भी खोल के साफ करके फिर से वापस आप लगा के इस्तेमाल में ला सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों आपको वीडियो देखने के लिए काफ़ी धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके से नया नया आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा ये चैनल के ऊपर, ब्रांडेड और अच्छे क्वालिटी वाली प्रोडक्ट। थैंक यू सो मच।